नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम कीर्ति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस बिजनेस टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक छोटे से बिजनेस आइडिया को बहुत बड़े लेवल तक लेकर जा सकते हैं। इस वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कई बार क्या होता है कि लोग कॉन्फिडेंट में एक मिनट भी नहीं देखे वीडियो को हटा दिए, और होता क्या है कि हम स्पीड में बोलते बोलते, फ्लो में बोलते बोलते, वीडियो के लास्ट में अच्छी अच्छी बातें बोल के चले जाते हैं। पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए सत्यम कीर्ति चैनल को और घंटे के बटन को दबाइए, इससे मिलेगा हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप। ये है आपका मोमो का बिजनेस। दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा मोमो में कुछ भी तो नया नहीं है, ये नया क्या है। देखिए फ्रेंड्स, बिजनेस में आइडिया इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एक चीज हमेशा आप ध्यान रखिएगा, बिजनेस में आइडिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम उस आइडिया को कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कैसे हम उसका एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। सो आइडिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जीक्यूशन ऑफ द आइडिया। दोस्तों, ये है आपका ब्रांडेड मोमो बिजनेस। अब आपको लग रहा होगा ये ब्रांडेड क्या हो। जी हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, आप एक मोमो को कैसे ब्रांड बना सकते हैं। फ्रेंड्स, एक लिट्टी चोखा को आप कैसे ब्रांड बना सकते हैं। दोस्तों, चाउमीन के स्टोर को आप कैसे ब्रांड बना सकते हैं। यही सबसे बड़ा सीक्रेट होता है और यही बहुत बड़ी यूएसपी होती है। अगर आपको पता चल गया कि हम उसको कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको मोमो का एग्जाम्पल देके यही बताऊंगा कि कैसे आप एक मोमो के बिजनेस के थ्रू आप अपना खुद का ब्रांड इस लेवल तक ले जा सकते हैं कि आप साल का लाखों नहीं बल्कि करोड़ों अर्न कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, ये कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं, ये लोग कर भी रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको स्टार्ट कैसे करें। तो नंबर वन, सबसे पहला इसका लोकेशन आपको सर्च करना है। वैसा लोकेशन जहां पर भीड़ भाड़ काफ़ी हो, जहाँ पर लोग हमेशा आते रहें, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कॉलेज, स्कूल, आपका कोई बड़ा बड़ा पार्क या आपके मॉल्स हो गए हैं। बट इसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कहूँगा कि आप कोशिश करिए मॉल देखिए। आप स्टार्टिंग में मॉल के सामने में एटलीस्ट स्टोर लगाने का कोशिश करिए। सेकेंड काम जो आपको करना है वो है आपको एक ठेला या रेहड़ी आपको परचेज करना है, जिसका कीमत मार्केट में 9 से 10 हज़ार में मिल जाएगा आपको। और उसको आपको ब्रांडिंग करना है, जो कि ब्रांडिंग करने में आपको कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये आपको लग जाएगा। तो पहला काम, आप एक ठेला लीजिए, फिर उसका आपको ब्रांडिंग करना है और अपना ब्रांड आपको पहले ही सोचना होगा। जैसे मोमो में ये जो आप देख रहे हैं, इन्होंने अपना कुछ नाम सोचा हुआ है और इनका ब्रांडिंग आप देखिए, ये ठेला काफ़ी पुराना हो गया इसीलिए आपको ऐसा दिख रहा है। अदरवाइज इनका ब्रांड देखिए कितना बढ़िया है। आप इस ठेले को पूरा ध्यान से देखिए कि इसमें है क्या। इसमें फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है, एक सिंपल ब्रांडिंग ही तो है। उसके बाद जो सेकेंड काम होता है वो है हमारा इक्विपमेंट्स का परचेजिंग। इक्विपमेंट, कोई भी फास्ट फूड का बिजनेस आप कर रहे हैं, खास करके अगर आप मोमो का कर रहे हैं, तो आपको कुछ कुछ इक्विपमेंट्स आपको लेने होंगे। सबसे पहला गैस का कनेक्शन आपको लेना होगा, एक कड़ाही लेना होगा, उसके बाद कुछ बर्तन आपको रखने होंगे। थर्ड हो गया आपका मोमो स्टीमर बोलते हैं इसको हम। एक छोटा सा आप चाहें तो इक्विपमेंट और आप ले सकते हैं, जैसे ये मोमो का जो भी आइटम है, जो आप रोटी जैसा शुरू में इसको बेलने के लिए एक रोटी बेलने वाला एक मशीन आता है, जो कि आप फोटो में आप देख रहे हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर परचेज कर लीजिए। इसका बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी आपका नहीं पड़ता है। उसके अलावा कुछ आपको केन रखने पड़ेंगे, जिसमें आप सॉसेस रख सकते हैं। और सबसे लास्ट में, जिस भी हम चीज़ में अगले को सर्व करें, इसके लिए सबसे बढ़िया होगा कि आप पेपर प्लेट का आप यूज़ करिए। इसमें हमेशा यूज एंड थ्रो वाला बर्तन का यूज़ करिए, क्योंकि आपका इससे स्टाफिंग कम हो जाएगा। अगर आप चाहेंगे कि प्लेट धोने वाले किसी बंदे को रखें तो आपका कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। यूज एंड थ्रो का आपका प्रोडक्ट होना चाहिए। लास्ट में इसका हो गया हमारा मोमोज का मेन्यू। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मोमो तो सिर्फ दो ही टाइप का होता है, वेज खाओ नॉन वेज खाओ, कहानी खत्म करो। बिल्कुल नहीं, मोमो में भी वेरियस टाइप के वेराइटीज होते हैं। आप इसमें ध्यान से देखिए, इसमें आपका चिकन मोमो हो गया, पनीर मोमो हो गया आपका, चीज़ मोमो हो गया आपका, पैन फ्राइड हो गया, डीप फ्राइड हो गया आपका, चॉकलेट मोमो भी आता है। आपको यकीन नहीं होगा, ये आपको सर्च करना होगा। मोमो का आपका मेन्यू खुद से आपको बनाना होगा और ये मेन्यू बहुत ही आराम से आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पर ही काफ़ी ऐसे वीडियोज हैं। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या मुझे लाइसेंस लेने होंगे या नहीं लेने होंगे। फ्रेंड्स, मैं हर बार यही बोलता हूँ, कोई भी स्टार्टिंग बिजनेस में आपको शुरुआत में लाइसेंस का चक्कर बिल्कुल भी नहीं पालना है। आप यार काम तो स्टार्ट करो, लाइसेंस तो मिल जाएंगे। ऐसे भी लाइसेंस को कौन पूछता है, एक बार आपका काम चलने लग गया आपको खुद ही समझ में आएगा कि किस टाइप की चीज़ें आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए।
वैसे अगर इसमें आपको लेना होगा तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू आपको अपने कंपनी, आपको अपना बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और सेकेंड हो गया आपका, अगर आपका काम बढ़िया चलने लगा तो फिर आपको जीएसटी का एक नंबर लेना होगा। एक बार जब आपने फॉर्मेलिटी सारी पूरी कर ली, उसके बाद आप एक स्टाफ को हायर करिए और काम को आप स्टार्ट करिए। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, आज के डेट में सबसे ज़्यादा यही बिक रहा है, एक स्टोर को चलाना है, सिर्फ एक स्टोर को चलाने भर का देरी है। और आपका जो कॉन्फिडेंट है ना, वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, आप बुलंदी पर चढ़ जाएंगे कॉन्फिडेंट के मामले में। उसके बाद आपको खुद ही रास्ता दिख जाएगा। अब मैं बताता हूँ आपको आगे कैसे बढ़ना है। आपने एक स्टोर चालू कर दिया, आपका काम धीरे धीरे चल रहा है, इट्स ओके, लेट देम रन। आप करो क्या कि एक स्टाफ को वहाँ पे हायर कर लीजिए और एक ऐसा बिलिंग का सिस्टम आप बनाइए ताकि आपको दिन भर का खबर लगते रहे कि यार यहाँ पे कितना बिक रहा है, कितने की मार्केटिंग हुई हमारी। मेन्यू पर आप प्राइस लिस्ट पहले ही लिख दो कि जिस प्राइस पर आपने फिक्स किया उसी प्राइस पर वो बिके, उससे ना ज़्यादा ना कम। आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान देना है इसमें, खास करके बिलिंग सिस्टम पर। आपको पता चलना चाहिए कि कितने का मार्केटिंग हुआ, कितने का हमने बेचा, ये चीज़ आपको कन्फर्म पता होना चाहिए। बैकएंड में आपको इस टाइप का हिसाब किताब लगाना होगा, तब आप दिमाग लगाइए सेकेंड स्टोर ओपन करने के लिए। सेम प्रोसेस, सेम चीज़, किसी और मॉल में जाइए, किसी और ऐसे मार्केट को पकड़िए जहाँ पर काफ़ी लोगों के भीड़ होते हैं, और ये काम आप शुरू करिए। आपको बिलीव नहीं होगा ये काम आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। जब आपका एक से दो या दो से तीन जैसे ही स्टोर आपके चलने लगे, फिर आप इसको बड़े लेवल तक लेकर जा सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसका दो तरीका है, आप इसमें फ्रेंचाइजी मॉडल लेकर आइए। उसमें क्या होता है कि आपका जो भी ब्रांड है आप सेम चीज़ का फ्रेंचाइजी अगले को दे रहे हैं। फ्रेंचाइजी में, फ्रेंचाइजी हम कैसे बिजनेस का दिया जाता है, इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप इसको डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। और सेकेंड ऑप्शन इसमें होता है कि हम बैंक से लोन ले लें और फिर हम इसका एक्सपेंशन करें। एक्सपेंशन में यही होता है, एक स्टोर, दो स्टोर, तीन स्टोर, चार स्टोर, हर स्टोर से आपको 10-10 लाख नहीं कमाना है। हमेशा याद रखिए, एक स्टोर से आप 40,000 कमाओ, 50,000 कमाओ, बहुत इनफ है। इतना अगर एक स्टोर से आपकी अर्निंग होने लगी तो आप सोचिए कि अगर आपने 4-5 स्टोर ओपन कर दिया है तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाइएगा। ये काम उतना भी आसान नहीं है और ये काम उतना भी मुश्किल नहीं है, बस ज़रूरत है अपने आप को मोटिवेट करने को और आगे बढ़ने को। अगर आप कोई इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है, तो मैं बिजनेस कंसल्टेंसी भी देता हूं जो कि फोन इन कंसल्टेंसी होता है। आप मेरे नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिए। मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।